कोटा डोरिया साड़ी ये हमारी एक परंपरागत पुश्तैनी कला है। इसी के माध्यम से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वर्षों से इस कार्य को हम करते आ रहे हैं। मेरा नाम नसरुद्दीन अंसारी है। कैथून में यह मेरा पुश्तैनी गांव है। मेरे माता पिता दादा परदादा यहीं कैथून में जन्मे हैं और कैथून में ही रहते हुए आए हैं। हमारा पुश्तैनी कार्य है कोटा डोरिया साड़ी और कोटा डोरिया के वस्त्र बनाना। कोटा डोरिया का बहुत पुराना इतिहास है। 17वीं शताब्दी के अंदर हमारे जो विजयनेस थे राव किशोर सिंह जी, वो मैसूर गए हुए थे, तो मैसूर में इनको मैसूर के राजा ने उपहार के रूप में कुछ बुनकर दिए थे। उन बुनकरों को साथ लेकर हमारे विजयनेस कोटा आए और हमारे गांव के या पास में ही चंद्रलोई नदी है, इस चंद्रलोई नदी के तट पर आकर उनको बसा दिया। वो यहाँ कपड़ा बुनाई का काम करने लग गए। जो पहले कोटा डोरिया बनता था वो कॉटन बाय कॉटन का बनता था। आज जो हम कोटा डोरिया देखते हैं 40 सिल्क और 60% कॉटन, ताने में भी और बाने में भी, और 6% प्योर जरी का उपयोग होता है। जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है वो कंटिन्यू 19वीं शताब्दी से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसका जो मटेरियल आता है कॉटन और सिल्क, एक लच्छी में आता है। उस लच्छी को चरखे से बोबिन भरते हैं। बोबिन भरने के बाद फिर इसका ताना बनाते हैं जिसे भीम कहते हैं। ताना बन जाता है तो ताना बनने के बाद वो ताना फिर हमें कैसा कलर करना है तो ये डाई के लिए जाता है। जब कलर हो गया, कलर हो जाने के बाद फिर इसकी साइजिंग करते हैं ताकि वो जो धागा है उस धागे को अच्छा मजबूत कर लिया जाता है साइजिंग करके। फिर ये लूम पे आता है। जब लूम पे आ जाता है और जब लूम पे इसको चढ़ा देते हैं धागे को, तो फिर इसमें डिजाइनिंग करते हैं। उस डिजाइनिंग के हिसाब से इस तरीके से इसका प्रोसीजर चलता है। आज बड़ा चैलेंज है, जितना भी हैंडलूम सेक्टर के अंदर, हैंडलूम के अंदर जितने भी साड़ियाँ हैं, जो भी कपड़ा है, आज पूरी तरीके से पावरलूम से उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि बहुत सी जगह की जो कलाएँ हैं वो एक तरीके से धीरे 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 उसके बनाने वाले बहुत कम रह गए हैं। उसका कारण ये है कि जब लोगों को अब जब उसको मजदूरी नहीं मिल पाएगी तो कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा। ये अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर उस पावरलूम के सामने बेच नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से बड़ा चैलेंज है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन चीज़ों को जिंदा रखने के लिए जब तक स्टेट की सरकार हो या भारत सरकार हो, अगर बुनकरों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके अच्छे इनको डिजाइनर उपलब्ध करवाएं, अच्छा मार्केट उपलब्ध कराएं, तो ये कला भी जिंदी रह सकती है और कई लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। निश्चित तौर पर यह कला जिंदी रहेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस काम को नहीं छोड़ेगी, इस कला को, इस विरासत को जिंदा रखेगी, और यही हमारा हेरिटेज है।